अस्सलाम वालेकुम क्लास क्लास आज जो हम टॉपिक डिस्कस करना जा रहे हैं वो है केमिस्ट्री के रिलेटेड। हम एफएससी पार्ट 1 चैप्टर नंबर 5 एटॉमिक स्ट्रक्चर और उसका टॉपिक फर्स्ट डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन टॉपिक का नेम है पायरोइलेक्ट्रोलिसिस। इसको हम डिस्कस करेंगे कि डिस्कवरी इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे है। तो ये मैंने आपके सामने लेक्चर फ्लो ड्रा किया हुआ है। इस लेक्चर फ्लो में जो हेडिंग्स हैं तमाम की तमाम हेडिंग्स ये इस टॉपिक से बिलोंग करती हैं। हम इन हेडिंग को वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि इस टॉपिक के साथ इनका क्या रिलेशन है। आइए दोस्तों हम डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन को देखने के लिए सबसे पहले हम इसका क्रेटस देखते हैं। मैंने आपके सामने ये एक डायग्राम ड्रा की है। ये डायग्राम हमारे पास प्रोडक्शन ऑफ कैथोड रेज की है। दोस्तों अपरेटस के अंदर हमारे पास एक गैस डिस्चार्ज ट्यूब होती है। गैस डिस्चार्ज ट्यूब वो हमारे पास अटैच होती है, फिटेड होती है विद टू मेटालिक इलेक्ट्रोड। दीज मेटालिक इलेक्ट्रोड एक्ट एज कैथोड एंड एनोड। हमें पता है एनोड पर पॉजिटिव चार्ज होता है, कैथोड पर नेगेटिव चार्ज होता है। और जो हमारे पास ट्यूब है ये फील्ड होती है विद गैस, या गैस के साथ फील्ड होगी, या हमारे पास एयर होगी, या हमारे पास वेपर्स के सब्सटेंस होंगे एट द रिक्वायर्ड प्रेशर। जो हमारे पास मेटालिक इलेक्ट्रोड होते हैं वो हमारे पास हाई वोल्टेज सोर्स के साथ अटैच होते हैं। हमारे पास जो वोल्टेज जहां पर हमने अटैच मेटालिक इलेक्ट्रोड के साथ अटैच किया हुआ है ये वोल्टेज डिपेंड करता है लेंथ ऑफ ट्यूब पर और प्रेशर इनसाइड द ट्यूब। जो हमने यहां प्रेशर वोल्टेज दिया है ये वोल्टेज इस पर डिपेंड करता है कि ट्यूब की लेंथ कितनी है डिस्चार्ज ट्यूब की, और उसके अंदर जो प्रेशर हमने दिया है साइड ट्यूब वो कितना है उसके अकॉर्डिंग हम वोल्टेज को यूज करेंगे। और डिस्चार्ज ट्यूब के साथ एक साइड ट्यूब अटैच होती है जिसे वैक्यूम पंप कहते हैं। वैक्यूम पंप एट लो प्रेशर में भी स्टडी इसको स्टडी किया जाता है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसको कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के लिए स्टडी किया जाता है। दोस्तों ये था हमारे पास अपरेटस। अब हम नेक्स्ट चलते हैं वर्किंग पर। अब हम डिस्कस करेंगे वर्किंग। वर्किंग के अंदर होता क्या है, जो हमारे पास ट्यूब के अंदर जो प्रेशर है इनसाइड द ट्यूब प्रेशर, हम उसको अगर करंट को फ्लो करवाना है तो एट नॉर्मल टेम्परेचर पर वो तब तक हमारे पास करंट फ्लो नहीं करेगा अगर हम उसे हाई वोल्टेज 5000 वोल्टेज भी अगर प्रोवाइड कर देंगे तो तब भी करंट फ्लो नहीं करेगा। तब तक जब तक हम प्रेशर ट्यूब के अंदर जो प्रेशर है उसे रिड्यूस ना कर दें। अब प्रेशर को ट्यूब के अंदर रिड्यूस करने का मकसद क्या है, क्योंकि ट्यूब के अंदर जो हमारे पास
मालिकूल होते हैं वो कंजेस्टेड हुए होते हैं। जब हम प्रेशर को रिड्यूस कर देते हैं तो नंबर ऑफ मालिक्यूल जो है वो डिक्रीज कर जाएगी, हार्डर जो हिंड्रेंस है उन मालिक्यूल के दौरान वो डिक्रीज कर जाएगी, जिसकी वजह से वो आइसोलेटेड हो जाएंगे और अपार्ट ईच अदर और इजीली क्या करना शुरू कर देंगे, मूव करना शुरू कर देंगे। इसलिए हम उसका प्रेशर क्या कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं। और प्रेशर रिड्यूस करने के बाद हम उसको जो वाटर देते हैं वो होता है 5000 टू 10000 वोल्टेज हम उसे प्रोवाइड करते हैं। और इस वोल्टेज को जब प्रोवाइड करते हैं तो हमारे पास कैथोड ट्यूब के अंदर हमारे पास ग्लो यूनिफॉर्म ग्लो प्रोड्यूस होती है। इन्हें एक दफा यूनिफॉर्म ग्लो का नाम दिया गया है। जब हम फर्दर जो प्रेशर है वो रिड्यूस कर दें 0.01 टॉर, मजीद जो प्रेशर को अगर डिक्रीज कर देंगे तो हमारे पास जो ग्लो है वो डिसअपीयर हो जाएगा। और डिस्चार्ज के अंदर कुछ रेज ऐसी प्रोड्यूस होती है जो कि ग्लास वॉल जो है, ग्लास ट्यूब जो है उनकी वॉल पर फ्लोरिसेंस को क्रिएट कर देते, पैदा कर देती है फ्लोरिसेंस। और ये जो फ्लोरिसेंस है ये हमारे पास कैथोड के ऑपोजिट होती है। इन रेज को कैथोड रेज का नाम दिया गया। ये रेज हमारे पास कैथोड रेज, ये क्या सम रेज प्रोड्यूस जो कि फ्लोरिसेंस है और इनको क्या नाम दिया गया, कैथोड रेज का, जो कि इसका ऑपोजिट है कैथोड के। और जो हमारे पास कलर होता है हमारे पास ग्लो का फ्लोरिसेंस का, वो डिपेंड करता है ऑन द कंपोजिशन ऑफ गैसेस कि इन फ्रेश ट्यूब के अंदर हमारे पास गैसेस कौन सी है। नेक्स्ट हमारे पास था इसकी प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टी में सबसे पहले हम इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड को देखेंगे। मैंने आपके सामने ये कैथोड रेज की तो डिफ्लेक्शन के लिए मैंने ये आपके सामने एक डायग्राम बनाई। इससे हम देखेंगे कैथोड रेज क्या है और डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन को देखेंगे। तो इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड को देखते हैं। 1895 के अंदर एक साइंटिस्ट जे पेरियन ने ये बताया, ये शो किया कि जब हम कैथोड रेज को पास करते बिटवीन द पोल्स ऑफ मैग्नेट, मैग्नेट इट आल्सो हैव नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज, तो जब हम कैथोड रेज को पास करते बिटवीन द पोल्स ऑफ मैग्नेट तो हमारे पास जो पाथ और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं वो डिफ्लेक्ट हो जाते हैं downward on the screen at point 2. This show that have charge. ये show कर रहा है कि उसके पास कोई चार्ज है। उसके बाद in 1897 के अंदर J.A. Thomson इन 1897 के अंदर जे थॉमसन ने इलेक्ट्रिक चार्ज के जरिए
इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, जिससे उसने देखा कि जो हमारे पास कैथोड्स पार्टिकल्स हैं वो रिफ्लेक्ट हो रहे हैं टुवर्ड द पॉजिटिव चार्ज प्लेट अपवर्ड ऑन द, और वो कहां स्पाइक कर रहे हैं, ऑन द स्क्रीन एट पॉइंट नंबर 3 पर। तो उसने कहा कि ये डिफ्लेक्ट होते हैं पॉजिटिव चार्ज प्लेट की तरफ, तो दिस विल शो दैट कैथोड्स हैव नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स। फिर उसने एनालाइज किया, उसने देखा कि उसने इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों को अप्लाई किया एट अ टाइम, तो दोनों ने एक दूसरे के चार्ज को, उसने प्लेट्स के ऊपर जो चार्ज था उसको कंट्रोल करने के, उसको बैलेंस करने के लिए उसने दोनों को इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों को डीएचए थॉमसन ने एट अ टाइम अप्लाई किया, और देखा कि दोनों ने एक दूसरे के जो फैक्ट को कैंसिल आउट कर दिया, और जो हमारे पास थॉर रेस थी वो स्टेट लाइन के अंदर क्या मूव कर रही थी, स्टेट लाइन के अंदर, और उन्होंने हमारे पास स्क्रीन पर जो रिफ्लेक्शन शो की एट पॉइंट नंबर 3 पर, जो कि हमारे पास परपेंडिकुलर थी ऑपोजिट टू द कैथोड सरफेस के ऊपर। और उसके बाद उसने फ्लोरेसेंस को देखा, उसने ये देखा कि हमारे पास डीएचए थॉमसन ने कैथोड ये जो रेज हैं ये फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस करती है, फ्लोरेसेंस मीन टू लाइट प्रोड्यूस करती है, और उसने क्या देखा कि ये रेज जो होती हैं अगर इनको इनके रास्ते में अगर रेयर मिनरल आज रेयर अर्थ वगैरह रख दी जाए तो उनके अंदर ये भी फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस करती है। इसने क्या किया, इन रेज जो रेज पास उनके आगे के रास्ते में उन्होंने रेयर अर्थ और मिनरल एलिमेंट्स रखे और देखा कि उसमें भी उसने फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस किया, और जो कलर उसने प्रोड्यूस की वो थे एल्यूमिनियम ग्लो रेड और टिन टन येलो। क्या किया उसने, उसने कहा कि ये रेज जो है हमारे पास फ्लोरेसेंस को प्रोड्यूस करती हैं, और उसने ये देखा कि ये जो रेज फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस करती हैं अगर इनके रास्ते में रेयर अर्थ और मिनरल वगैरह रख दिए जाए तो उनके अंदर भी ये क्या हमारे पास फ्लोरेसेंस लाइट कलर वगैरह प्रोड्यूस करती है, और उसने बताया कि एल्यूमिनियम ग्लो रेड और टिन स्टन येलो अगर रेयर अर्थ को रख दें और हमारे पास कोई मिनरल रखे तो ये कलर प्रोड्यूस करती है। उसके बाद स्टेट लाइन मोशन मैंने आपको पहले ही बता दिया कि उन्होंने दोनों को कैंसिल को दोनों के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर दिया, जिससे ये रेज हमारे पास का स्टेट लाइन में मूव कर रहे थे, और उसने ये भी देखा अगर इनके इनके रास्ते में अगर कोई ऑब्लिक ऑब्जेक्ट रख दिया जाए अगर इनके रास्ते में कोई ऑब्लिक ऑब्जेक्ट रख दिया जाए तो ये उनका साया प्रोड्यूस करते हैं, शैडो ऑफ ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। फिर इसने कहा कि मटेरियल पार्टिकल पर बात करते हैं, इसने देखा कि अगर इन रेस के रास्ते में अगर कोई रोटेटेबल चीज आज व्हील पैडल रख दिया जाए तो ये उनको रोटेट करवाती है, रेस उनको क्या करती है रोटेट करवाती है, अगर इनके रास्ते में कोई हम व्हील या हमारे पास पैडल लाइक चीज रख दे तो ये क्या करती है मूव करवाती है। इसने इसने देखा ये रेस जो थी हमारे पास इसको क्या करा रही है मूव करा रही है, जिससे उसने कहा ये रेस जो हमारे पास मोमेंटम से पोजेस होती है, और उसने कहा कैथोड रेस नहीं होती बल्कि ये क्या है मटेरियल पार्टिकल्स होते हैं जो कि एक डेफिनेट मास और हमारे पास वेलोसिटी रखते हैं।
कैथोड रेज आर मटेरियल पार्टिकल, पजेस मोमेंटम, हैव डेफिनेट मास एंड वेलोसिटी। फिर उसके बाद उसने एक्सरेस को स्टडी किया, उसने कहा ये कैथोड रे जो है हमारे पास, जब इनके इनके रास्ते में अगर लार्ज टॉपिक मास रख दिया जाए तो ये क्या होती है, नॉर्मल स्ट्राइक करती है, जिसकी वजह से हमारे पास एक्सरेस को प्रोड्यूस करती है। उसके बाद उसने देखा पेनिट्रेशन, उसने अगर इनके रास्ते में अगर एल्युमिनियम ग्लो और जब गोल्ड फायर रख दिया जाए तो ये उनके अंदर क्या कर जाती है, पेनिट्रेट कर जाती है। उसके बाद उसने कहा आयनाइजेशन, कहते हैं कि जब डिस्चार्ज ट्यूब में जो गैस होती है, जब इन रेज को ये पास करवा जाता है तो ये गैस को क्या कर देती है, आयोनाइज कर देती है। उसके बाद हीटिंग इफेक्ट देखा, इसने कहा जब इन रेज को हम किसी मैटर के ऊपर फॉल करवाते हैं तो ये हमारे पास हीट प्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद रिड्यूसिंग इफेक्ट आ गया, उसने कहा कि थोड़ रेज है प्रोड्यूसिंग इफेक्ट, दे हैव केमिकली प्रॉपर्टीज। उसके बाद उसने एक पॉइंट और डिस्कस किया, उसने कहा जो जो नेचर होती है कैथोड रेज की, वो डिपेंड नहीं करती कि हमारे पास कैथोड के अंदर मटेरियल क्या है और डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर कौन सी गैस मौजूद है, इससे हमारे पास कैथोड रेज की जो नेचर है वो चेंज नहीं होती। इसको इसी को ही प्रूव करने के लिए जे जे थॉमसन ने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट किए डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर थ्रू डिफरेंट यूजिंग ऑफ द गैसेस, और देखा कि जो मर्जी मैटर हो, जो मर्जी गैस हो, जिसकी वजह से हमारे पास जो नेचर ऑफ कैथोड रेज वो रिमेन रहती है, सेम रहती है, चेंज नहीं होती व्हिच एवर गैस वी यूज इन दिस। और उसके बाद उसने ईएमएफ वैल्यू, उसने कहा कि कैथोड रेज जो होते हैं नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, और उसने इसकी चार्ज टू मास रेशियो वैल्यू वो निकाले। ईएमएफ वैल्यू इसने जो उसकी इसने कहा कि ये हमारे पास ईएमएफ वैल्यू ये शो करती है कि ये एक सिंपल इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इसमें इसकी जो वैल्यू निकाली वो थी 1.7588 मल्टीप्लाई 10^11 कूलम्स केजी पर सेकंड। ये इसलिए इसकी चार्ज मास रेशो जो वैल्यू थी वो उसने निकाली। उसके बाद उसने कंक्लूजन में ये कहा कि हमारे पास उसने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए, और उसने कहा कि हमारे पास जो ये हमारे पास कैथोड रेज हैं कंसिस्ट होती हैं स्ट्रीम ऑफ द नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, और उसने इसको जो एक्सपर्ट किया था उसका नेम था स्टोनी। इसी को ही उसने पार्टिकल्स का नाम दिया था, पार्टिकल मीन टू से इलेक्ट्रॉन। फर्स्ट ऑफ ऑल जो इलेक्ट्रॉन का नेम था वो क्या था, जो हमारे पास नेगेटिव चार्ज पार्टिकल कंसीडर फर्स्ट नेम कंसीडर किया जाता था वो था नेक्ट्रॉन। बाद में इसे चेंज करके इलेक्ट्रॉन रखा गया, ये काम जे.जे. थॉमसन ने किया था, और उन्होंने ये कहा कि उन्होंने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए और देखा कि हमारे पास जो चार्ज टू मास रेशियो है वो हमारे पास तमाम जो गैस कैथोड रेज की वो सेम रहती है, जो मर्जी हम उसके अंदर मैटर यूज कर ले, जो मर्जी उसके अंदर हम गैस यूज कर ले, हमारे पास मास और चार्ज रेशियो जो होती है
है वो हमारे पास चेंज नहीं होती, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो कठोर है इसकी नेचर है वो भी चेंज नहीं होती। अब हमने टॉपिक को डिस्कस किया, आपको मेरे ग्रुप की क्लियरली समझ आ गई होगी। आप इसको वीडियो को जरूर सुनिए, और हमने इस वीडियो में यही देखा, इस लेक्चर में यही देखा कि हमने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के देखा, उसके अंदर अपैरेटस, फिर वर्किंग, फिर उसके अंदर प्रॉपर्टी को डिस्कस किया वन बाय वन, और हमने इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक फील्ड को साइंस जे पेरिन और जे जे थॉमसन के अकॉर्डिंग डिस्कस किया। फिर हमने फ्लोरेसेंस को देखा कि हमारे पास लाइट प्रोड्यूस होती है, वो जो ट्यूब की वाल पर स्ट्राइक करती है और वो हमारे पास कैथोड को अपोजिट होती है, उसी रेस को अपोजिट होती है, कैथोड को उसी रेस को उसने क्या कह दिया, ये कैथोड रेस है। उसके बाद स्टेट लाइन मोशन ये था कि जब हम इसके अंदर एक कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं तो वो उसका क्या करते हैं, साया शैडो बन जाती है। उसके बाद हमने ये देखा कि अगर हम जो इसके अगर रास्ते में अगर कोई पैटर्न लाइक या व्हील लाइक हमारे पास कोई चीज़ रखते हैं तो ये उसके क्या करवाती है, रोटेट कराती है, जिससे हमें पता चला कि हमारे पास रेस जो है ये मोमेंटम से प्लस होती है, और इन्हें कैथोड रेस को रेस नहीं कहा जाता बल्कि ये क्या है, मटीरियल पार्टिकल्स कहलाते हैं, जो हैव डेफिनेट मास एंड वेलोसिटी रखते हैं। उसके बाद उस नेक्स्ट रेस को देखा कि जब हम लोअर स्ट्राइक पर एक्सेल प्रोड्यूस होती है, ये हमारे पास अगर हम मैटर या कोई वगैरह रखें तो गोल्ड फॉइल वो तो उनके अंदर क्या कर सकती है, पेनिट्रेट, और ये गैस को आयनाइज करती है और ये हीट प्रोड्यूस करती है और ये रिड्यूसिंग इफेक्ट भी रखती हैं। और उसके बाद उसने देखा कि इन चार टू मास रेशो देखा, चार टू मास रेशो का ये शो करती है कि हमारे पास सिंपल इलेक्ट्रॉन होते हैं, और कंक्लूजन में देखा हमारे पास नेगेटिव चार्ज पार्टिकल कंसिस्ट ऑफ स्टीम और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल पर मुश्तमिल होते हैं। और उसने इसकी मास चार्ज मास रेशो वैल्यू को भी बताया कि 1.788 मल्टीप्लाई 10 की पावर 11 ग्राम पर केजी पर ग्राम होती है। फिर उसने कहा कि अगर हम कोई भी गैस डिफरेंट एक्सपेरिमेंट यूज किए, इसके अंदर कोई भी गैस यूज कर ले तो हमारे पास चार मास रेशो जो होती है वो गैस की सेम होती है, और जिसकी वजह से हमारे पास नेचर ऑफ थर्मल रेस वो भी सेम होती है। होप यू कि हमारे पास आपको क्लियर समझ आ गई। अगर आप इस तरह की मजीद वीडियो से मुफीद होना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें। थैंक्स।